मॉर्निंग बच्चों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। बच्चों, हमने जो पिछले क्लास में देखी थी वो हमने देखा था फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जो आपका चैप्टर है, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, हम लोग ने इसका समरी कंप्लीट कर चुका है। समरी हमने पूरी तरीके से देख लिया है, ठीक है, हिंदी में समरी देखा है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने पार्ट वन आपने देखा होगा अपलोड किया हुआ है। बुक का जो टेक्स्ट के हिसाब से लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं, वो पार्ट वन कहाँ तक हमने अपलोड किया, तो हमने बताया था पिछली वीडियो में, पार्ट वन में बताया है कि कैसे जो ग्रिफिन पागल साइंटिस्ट था, कैसे उसने डॉरी लेन में गया और वहाँ पर एक नाटक कंपनी वाले को, यानी कि एक दुकानदार को जाकर के लूटा, और कैसे उसको बेरहमी से मार करके वहाँ से फिर निकल गया और इपिंग गांव जाने के लिए तैयार हो गया। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था, इतना टॉपिक हमने कवर अप कर लिया था। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, इसको चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर ऐसे हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग आगे से बात करने वाले हैं बच्चों, और आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस करना इतना है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप लोग कोई भी डाउट ना रहे। एक एक लाइन बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा, एकदम टेंशन ना लेंगे, एक एक लाइन आपको समझ में आने वाला है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करना, हम आपका वहां पर डाउट से क्लियर कर देंगे। तो देखिए, आपने पिछली क्लास तो आराम से कर ली होगी, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो जैसे कि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग को नोट्स की ज़रूरत होगी तो हमें कमेंट कर देना, व्हाट्सअप नंबर अपना कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो देख सकते आप ऊपर स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही है, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर लें और वहाँ पर हमें कमेंट हमें मैसेज कर दें कि सर हमें ऐसे पीडीएफ सेंड कर दीजिए, पीडीएफ चाहिए, तो ऐसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जो हमारा एफर्ट्स है उसके लिए एक लाइक तो बनता है यारो, एक लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो तो एक लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी कोई भी अगर न्यू वीडियो आए तो आप लोग को अपडेट उसकी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और फिर से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें, वरना डाउट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है क्या बच्चों, एगर टू गेट अवे फ्रॉम, हमने जो पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, कहाँ तक पढ़ा था देख सकते हैं, हमने यहाँ तक कुड फाइंड तक पढ़ा था, आगे क्या कहता है देखते हैं। एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। क्राउडेड यानी कि भीड़ भरे लंदन से बाहर जाने के लिए, क्या बच्चों, भीड़ भरे लंदन से बाहर जाने के लिए उसने ट्रेन लिया, कहाँ जाने का, तो आइपिंग गांव जाने के लिए उसने ट्रेन लिया। वेयर ही बुक्ड टू रूम्स एट द लोकल इन, वहीं पे उसी गांव में उसने दो रूम को ऐसे बुक किया उसी गांव में, ठीक है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर, आगे फिर क्या कह रहा है बच्चों, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। क्या देख रहा है बच्चों, देखिएगा, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, इन कह रहा है सर्दियों में किसी, वो तो बता रहे हैं कि ठंड का मौसम था, मैंने बताया था, सर्दियों में किसी अजनबी यानी कि अनजान का उस गांव में आना, एक असाधारण, अनयूजुअल मतलब बच्चों असाधारण, तो असाधारण बात था, ऐसा इतना ठंड में आखिर ये गांव में क्यों आए हैं। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपियरेंस, ऐसा स्ट्रेंजर जो कि जिसका कि अपियरेंस, दिखावा, पहनावा भी बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही अजीब है। सेट ऑल टंगेस वैगिंग, सभी के जवानों पे उसका बात चढ़ गया कि आखिर ये है कौन, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा ऐसा यहाँ पर क्यों आया है। मिसेस हॉल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो कि लैंड लॉर्ड, जो कि जो पागल साइंटिस्ट थी उसको रूम दी थी, वो थी उसका जो हस्बैंड, मतलब जो मिसेस वो हॉल है वो थी उसके लैंड लॉर्ड की वाइफ। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, जो मिसेस हॉल थी पूरा एफर्ट लगा दी कि कुछ भी करके इसके साथ फ्रेंडली हो जाए, दोस्ती इसके साथ कर लिया जाए, लेकिन ग्रिफर को कोई भी इच्छा नहीं था उससे बात करने का। एंड टोल्ड हर, और डायरेक्टली ग्रिफिन में बोल दिया था, किसे बोल दिया था, मिसेस हॉल को, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। कह रहा है कि मेरा जो ईपिंग में आने का जो मकसद है वो अकेला रहने का मकसद है, मैं नहीं चाहता कोई मुझे परेशान करे, और
जो मेरा फेस है वो एक एक्सीडेंट में ख़राब हो गया, जिसके कारण से और मैं नहीं चाहता कोई मुझे और भी परेशान करे। तो ये है से ग्रिफिन में सीधा सीधा बोल दिया, किसे बोल दिया बच्चों, तो मिसेस हॉल को। सर्टिफाइड डैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, फिर से देखिएगा बच्चों, सेटिस्फाइड डैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट डैट ही हैड पेड इन हर एडवांस। कह रहा है बच्चों, आगे ध्यान से देंगे, जो साइंटिस्ट था यानी कि श्रीमती हॉल को, जो श्रीमती हॉल के पास जो मेहमान आए थे साइंटिस्ट मान करके और यह सोच करके कि उसने तो किराया एडवांस में दिया है, उसने कुछ भी नहीं बोला और कोई भी दिक्कत नहीं परेशानी उसको लगी। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या कहता है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। कह रहा है बच्चों कि जो था, क्या था वो जो पागल साइंटिस्ट था मिसेस हॉल, क्या कर रही थी, तो मिसेस हॉल उसके चिड़चिड़ाहटपन और जो उसका व्यवहार था उसके लिए सब कुछ अपना रेडी हो रही थी कि चलो ठीक है, ऐसे ही को क्या किया जाए, यही रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर आगे क्या कहता है, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो पैसे चुराए हुए थे, चोरी के पैसे तो ज़्यादा टिकते नहीं है। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट डैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब इस समय में ग्रिफिन ने एक्सेप्ट किया कि मेरे पास कोई भी कैश नहीं है कि मैं आपको दे सकूँ, यानी कि रूम रेंट दे सकूँ। ठीक है, ही प्रिंटेंटेड हाउ एवर डैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। उसने फिर से एक बहाना बनाया कि मेरा चेक कभी भी आ सकता है तो मैं आप लोगों को पेमेंट कर दूंगा, यानी कि आपका पेमेंट है तो मैं कर दूंगा। ग्रिफिन ने कहा, किससे कहा बच्चों, तो ग्रिफिन ने कहा मकान की मालिक से, मकान के मालिक की वाइफ से। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर, उसी के बाद थोड़े समय के बाद एक, मतलब एक ऐसा घटना घटा जो कि घटने वाला नहीं था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, एक क्यूरियस घटना घटा। क्या घटा बच्चों, क्यूरियस का मतलब विचित्र। तो देखिए, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही सुबह सुबह, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकेंड बाय नॉइजेज। एक क्लर्जी मैन, अब ये क्लर्जी मैन क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है, क्लर्जी मैन मतलब बच्चों पादरी। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, वो लोग सुबह सुबह उठ गए किसके कारण बच्चों, तो आवाज़ के कारण, इन द स्टडी। ठीक है, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स से क्रीप यानी कि उतरते हुए, दे हियर द थिंक चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। उसने देखा, उसने सुना कि उसका जो डेस्क से था क्लर्जी मैन का, उसका पैसा पादरी मैन के डेस्क से पैसे उड़ा लिए गए। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर ग्रैस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर। कह रहा बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि बिना आवाज़ किए और अपने हाथ में मजबूती से संकीचा पकड़े, संकीचा क्या होता है, तो एक तरह का है जो बच्चों कुछ होता है वो उनके हिसाब से लिखा हो गया होगा, तो ग्रैप्ड फर्मली, संकीचा पकड़े जो क्लर्जी मैन है, बिना आवाज़ किए दरवाजे को खोलता है और बोलता है सरेंडर करो, कौन है, कोई भी हो तो सरेंडर करो, ये ऐसे क्लर्जी मैन बोलता है। आगे फिर देखेंगे, आगे क्या कहता है, देन टू हीज अमेंजमेंट ही रियलाइज डैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। और जब वो देखा तो उसको यकीन नहीं हो रहा है कि रूम तो एम्प्टी है, पर ऐसा कौन है जो क्या कर रहा है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो और उसकी वाइफ ने डेस्क के अंदर देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और कर्टन्स के पीछे भी देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा, देर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पर किसी का भी होने का मौजूद साइन मौजूद नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। लेकिन फिर भी डेस्क ओपन था और जो घर का खर्च का जो पैसा था वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक कहने का मतलब बच्चों असाधारण मामला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण और अफेयर का मतलब मामला। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन बोलता रहा यही कि मेरा पैसा चोरी हो गया। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये ज़्यादा, उतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था पादरी का पैसा चोरी होना, जितना कि मिसेस हॉल के, क्या बच्चों, मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था जो करने लगा सुबह में, क्या उसी के मॉर्निंग, देखिए आई क्या करता है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप
वेरी अर्ली, जो लैंडलॉर्ड उसकी वाइफ थी बहुत ही जल्दी उठ गई, ठीक है, एंड वे आर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और बहुत ही ज़्यादा चौंक गए और सरप्राइज हुई कि देखा कि साइंटिस्ट का जो डोर था वो थोड़ा सा खुला हुआ था, यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अगर देखा जाए आमतौर के तरह तो वो जो हमेशा था बंद रहता था या तो ताला लगा होता था, एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन इंटर्ड हिज रूम, और वो थोड़ा सा उत्साहित हुई कि शायद कोई उसके रूम में घुसा है, द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और उसको लगा कि अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर ये पागल साइंटिस्ट करता क्या है, दे पीट राउंड द डोर, उसने थोड़ा सा थी जो गेट था उसको खोला, उसे झांका, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, देखा कोई भी नहीं है और सोचा कि अब तो इसको पड़ताल करना पड़ेगा, द बेड क्लॉथ्स वेयर कोल्ड, जो बेड क्लॉथ्स यानी कि चादरें थी यानी कि बेड पे जो बिछते वो कपड़े थे वो देख रहे ठंडे थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इससे पता चल रहा था कि साइंटिस्ट बहुत पहले ही उठ चुका है, ठीक है, एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वेयर लाइंग अबाउट द रूम, और उससे भी ज़्यादा अजीब तो ये था कि वो कपड़े और जो पट्टियाँ जो हमेशा वो अपने फेस पर बांधे रहता था वो उसी कमरे में पड़ा हुआ था, ऐसा क्यों, All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक से इसी के बाद अचानक से Mrs. Hall ने सुना कुछ आवाज़ें सुनी अपने कानों में. A moment later that hat on the bed spot leaped up and dashed itself into her face. थोड़ी ही देर के बाद एक जो टोपी था वो उछला उछल करके उसके मुंह पर जा करके लगा, किसके मुंह पर पे बच्चों, तो मिसेस हॉल के, देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, उसके बाद जो बेडरूम का चेयर था वो जिंदा हो उठा, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और हवा में डोलते झूलते सीधा मिसेस हॉल के तरफ चार्ज ले बैठा, मतलब कि सीधा मिसेस हॉल की तरफ चला, लेग्स फॉरमोस्ट एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और इसी के बाद जो उसके वो मिसेस हॉल और जो उसके हस्बैंड थे डर के मारे उस रूम से बाहर आए, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर था साधारण जो चेयर था कुर्सी था वो दोनों को उस रूम से धक्का देकर के बाहर निकाल दिए, एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और बाहर निकालने के बाद डोर को लॉक कर दिया, ठीक है, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्टेरिक्स, कह रहा है कि मिसेस फॉल्स जी वो पूरे मतलब समझ लीजिए कि स्टेयर्स पर गिरी चुकी थी डर के मारे, पूरी तरीके से कांप रही थी, थर थर कांप रही थी, शी वॉज कन्विंस्ड डैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, उसको लगा उसने मान लिया कि इस रूम में पक्का कोई भूत है, ठीक है बच्चों, मान लिया कि पक्का कोई भूत है, ठीक है, एंड डैट द स्ट्रेंजर हैड समवन काउज दिस टू इंटर इन टू हर फर्नीचर, और वही भूत मेरे फर्नीचर पर ऐसे आ बैठा, माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर, मेरी प्यारी माँ मेरी जो बूढ़ी अम्मा थी वो से उस चेयर पर बैठा करती थी, शी मॉन्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और आज वही मेरे खिलाफ खड़ी हो चुकी है, वो ऐसे कौन बोल रही है बच्चों, तो मिसेस हॉल ऐसा सोच रही बोल रही है, द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज डैट द ट्रबल वॉज काउज्ड बाई विच क्राफ्ट, कह रहा है कि जो फीलिंग था मतलब पड़ोसियों के बीच में और जो ये सब जो डर का तो भाव था ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था, बट विच क्राफ्ट और नोट, कोई भूतिया या चुड़ैल नहीं था, वे न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैंस होम बिकेम नोन, जब न्यूज पता चला कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुआ ऐसा न्यूज पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हैंड इन इट, तो जो साइंटिस्ट था पागल साइंटिस्ट था ग्रिफिन, सबको लगने लगा कि इसमें चोरी में उसी का हाथ है और कोई नहीं है, सस्पिशियन ग्रोन इवन स्ट्रॉन्गर वेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश दा ही हैड एडमिटेड नोट लॉन्ग बिफोर डैट ही हैड नो मनी, और ये मजबूत तब हो गया जो शक था ये सबसे ज़्यादा मजबूत तब हो गया जब उसने तुरंत मिसेस हॉल को पैसे दिए, जबकि थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि मेरे पास कोई मनी नहीं है मेरा चेक आने वाला है, तो सबको शक है से उस पर चला गया, द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, और जो विलेज गाँव का जो कॉन्स्टेबल था उसको चोरी छुपे यानी कि बिना किसी को बताए बुला लिया गया, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल का वेट किए बिना जो मिसेस हॉल थी वेंट टू द साइंटिस्ट के पास चले गए, हु हैड सम हाउ
मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि पता नहीं कैसे खाली रूम में मिस्टीरियसली पहुंच गया, और कैसे पहुंचा किसी को कोई पता नहीं, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम मेरे चेयर्स के साथ सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने डिमांड किया। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर अ लॉक्ड रूम, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर इस खाली रूम में कैसे आए और आखिर तुम इस बंद कमरे में कैसे आए, मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे मेरा ये सवाल है, मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे फिर क्या होता है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। देखिए सारे लोग हैं ना डरे हुए हैं, सारे लोग डरे हुए हैं, कॉन्स्टेबल है, मिसेस हॉल है, कुछ पड़ोसी है, ये उनके हस्बैंड है, और ये भी कोई लोग हैं। चलिए देखिए, सॉरी बच्चों सुबह के 3 बज रहे हैं, वीडियो शूट करने में थोड़ा सा हो जाता है, आलस आ रहा है, खैर चलिए देखिए क्या कहता है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवे क्यूक टेम्पर, जो साइंटिस्ट था वो बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता था और वो क्यूक टेम्पर वाला था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और वो अब तो और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, ठीक है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आई विल शो यू, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू अप बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, उसके बाद अचानक से उसने जो उसके पास बैंडेज पहने थे, जो नोज नकली नाक था, बैंडेज वगैरह थे, सबको ऐसे फेंक दिया, स्पेक्टस वगैरह उसको तुरंत ऐसे फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये सिर्फ कुछ मिनट लगा उसको करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टार्टिंग एट अ हेडलेस मैन, और जो डरे हुए आदमी थे वो लोग देख रहे थे कि आखिर ये हेडलेस मैन है, ये क्या चीज़ है। मिसेस जैफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, अब ऐसे मिसेस जैफर जो कि कॉन्स्टेबल थे अब आ चुके थे। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड डैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और थोड़ा सा सरप्राइज हुए, अचंभित हुए कि उन्हें पकड़ना किसको है, तो बिना सर वाले आदमी को ऐसे पकड़ना है। बट जैफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जैफर इतनी आसानी से अपनी ड्यूटी को छोड़ने वाला नहीं था, वो अपनी ड्यूटी को पूरा करने वाला था। इफ मैजिस्ट्रेट्स वॉरंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head. कह रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, चाहे वो हेड का हो, यानी चाहे वो सर का हो, फिर बिना सर का हो, तो उसे अरेस्ट करना ही होगा। There followed a remarkable scene as the politician tried to get a hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at. कह रहा है कि बच्चों धीरे धीरे करके उसने सारे के सारे ऐसे उसने अपने जो कपड़े थे उतार दिए और पूरी तरीके से गायब होने लगा। जो कॉन्स्टेबल थे उसको दिक्कत होने लगा कि आखिर मैं इसे पकड़ूँ कैसे, ठीक है। सारे लोग वहाँ पर डर गए कि आखिर ये है क्या, इसे मैं पकड़ूँ कैसे, ठीक है। आगे फिर क्या कहता है, सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने कॉन्स्टेबल की मदद की ऐसे शायद उसे पकड़ने में। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज डैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन पाया कि मुक्के बरस रहे हैं, कभी इस साइड से कभी उस साइड से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुक्के बरस रहे हैं। इन द एंड जैफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, लास्ट में जैफर पूरी तरीके से हार चुका था, थक चुका था, उसने फिर से एक लास्ट प्रयास किया कि शायद मैं इस ना दिखने वाले साइंटिस्ट को पकड़ सकूं, पर ऐसा नहीं हुआ। देर वेयर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहाँ पर पूरी तरीके से नर्वसनेस फैल गया था, एक्साइटमेंट था कि उसे पकड़ो, उसे बहुत ज़्यादा डर फैल गया था उसे पकड़ो, बट कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये बोलना आसान था लेकिन करना मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप को छुड़ा लेता है, फ्री हो जाता है। एंड नो वन न्यू वेयर द ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि आखिर मुक्के कहाँ से आ रहे थे और फिर वो जो ग्रिफिन है वो कहाँ गया। तो बच्चों ये जो कहानी थी लिखा हुआ, आपका जो स्टोरी था लिखा हुआ, वो HG वेल्स के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को कैसी लगी ये स्टोरी। और हाँ,
बता दूं कि अगर CBSE के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आप लोग के सिलेबस में कुछ ना कुछ रिडक्शन आने वाला है। अगर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, वीडियो उस पर आ जाएगा कि सिलेबस में कितना रिडक्शन आया है, कितना रिडक्शन आएगा, कितना हम लोग को पढ़ना होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, वीडियो में टॉपिक आप लोगों को कोई डाउट ना रहा हो तो भी बताना, और अगर बच्चों हम लोग का समझाने का एक्सप्लेनेशन का तौर तरीका में कुछ अगर मिस होगा तो वो भी बताएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ और पढ़ते रहे, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा बच्चों।